हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हब मैसे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हमारा जो लेक्चर 8 न्यूमेरिकल एनालिसिस का, और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल के जो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड और न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड के दो क्वेश्चन बनाए थे, एक एक क्वेश्चन दोनों का था, तो वो वीडियो देख लीजिए। आज हम बात करेंगे न्यूटन ग्रेगरी विद इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल। जो हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस चल रहा है, ये बिल्कुल आपको सीरीज में हम चेक करा रहे हैं। जो आपका ग्रेजुएशन लेवल में जो न्यूमेरिकल एनालिसिस आता है या पोस्ट ग्रेजुएशन में आता है, तो ये जो हमारे पास जो सिलेबस है, ये पूरी जितनी भी कुमाऊँ की जितनी भी पूरी भारत की यूनिवर्सिटीज हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो एक एक टॉपिक को समझने के लिए आप, जैसे आज लेक्चर 8 की अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया एक बार लेक्चर 1 से वीडियो देखिए, लेक्चर 1, 2, 3, 4 ऐसे देखते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हमारा जो ये सीरीज है, प्लेलिस्ट बनी होगी न्यूमेरिकल एनालिसिस की, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो टोटल वीडियो बनेंगी वो ज़्यादा बनेंगे 15-20 वीडियो बनेंगी, तो 15-20 तक का बनेंगे, 20 तक का वीडियो में आपका पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा, मतलब न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस में आज हमारा क्लास है इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल, और इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है डिवाइडेड डिफरेंस इंटरवल। ये डिवाइडेड डिफरेंस इंटरवल होती है, इसको समझने के लिए देखो, अभी तक का तो हमने इक्वल इंटर अभी तक का तो हमारे पास थे जो x थे, x आर्गुमेंट होते हैं, एफ एक्स हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। जो अभी तक का आर्ग्यूमेंट थे यह इक्वल इंटरवल के थे, मतलब कि जैसे अब सुनिए, फिर ऐसे ही यहाँ पर कितना आ जाएगा, अगर इसमें से इसको हटाऊंगा और इसमें से इसको डिवाइड कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स टू एवन कॉमन एक्स टू, ऐसे सेम टू सेम एफ एक्स थ्री में से इसमें से इसको हटा देंगे, इसका डिवाइड इसमें से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा एफ एक्स टू कॉमा एक्स थ्री, और जो ये एफ एक्स टू कॉमा एक्स थ्री है इसको हम क्या लिखते हैं, ये डेल्टा के अंदर ये हो गया एफ एक्स टू बराबर, ये चीज़ आई क्लियर ना। तो स्टूडेंट्स, इनका रूल होने वाला नहीं है क्वेश्चनों में, क्वेश्चन में इनका रूल होने वाला है। अब देखिए फिर, अब अगला है, अब fx1, x2 में से मैंने क्या घटा दिया, fx0, x1 बट्टा उसका देखो, एक दो का डिफरेंस तो मुझे क्या करना है, यहां से देखो, यहां पर के लिए तो मैंने इसमें से इसको हटाया, अगले वाले में से मैं इसमें से इसको हटाऊंगा x2 - x0, ठीक x2 - x0, फिर अगला x3 निकालूंगा तो x3 में से ये हटाऊंगा, फिर डेल्टा की पावर 4 निकालूंगा तो x4 - x0 में से निकालूंगा, ठीक, ये हो गया डिवाइडेड डिफरेंस टेबल है। तो इसी से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं सब। तो इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल के लिए आपके पास दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ये जो फॉर्मूले हैं मैं इनको लिखना चाहता हूं, तो सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला है, जो इसके क्वेश्चन हम बनाएंगे, वो सबसे पहला जो हमारे पास फॉर्मूला है, प्यार से लिखेंगे हम, लिखते हैं, चलिए न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, देखो इसको बोलते हैं न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला पहला हमारे पास जो इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल को सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास पहला फॉर्मूला है वो है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। तो इसका जो जो इसका जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार से है, लेट x0 x1
x2 x3 चलते चलते xn आर्ग्यूमेंट्स ये हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हैं एंड fx1 एंड corresponding entries are fx0 fx1 fx2 fx3 और चलते x ये हमारे पास क्या है corresponding entries थैंक यू तब then देखो fx बराबर जिसको देखो fx ये x क्या होगा जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है ये x क्या होगा जिसकी वैल्यू हमने निकालनी है बराबर fx 0 ठीक प्लस x माइनस x 0 x 0 मतलब पहली एंट्री x 0 मतलब पहली एंट्री ठीक और पहला आर्गुमेंट सॉरी x 0 और x जो हमने वैल्यू निकालनी है फिर कितना आ जाएगा fx 1 फिर आ जाएगा प्लस x माइनस x 0 और फिर यहाँ से कितना हो जाएगा x माइनस x 1 फिर हो जाएगा f x 0 कॉमा x 1 x 0 कॉमा x 1 फिर प्लस x माइनस x 0 फिर कितना हो जाएगा x माइनस x 1 फिर कितना हो जाएगा x माइनस x 2 और यहाँ पर से ये चीज हो जाएगी फिर हमारे पास x 0 कॉमा x 1 कॉमा x 2 फिर ऐसे ही चलते चलते फिर चलते चलते लास्ट में जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा कि चलते चलते x माइनस x 0 x माइनस x 1 x माइनस x 2 चलते चलते इसमें भी चलते चलते लास्ट में क्या होगा x माइनस देखो जब 1 2 3 तो यहां से देखो यहां पर कितना होगा x माइनस ये देखना ये एक है तो x माइनस x 0 आया तीन टर्म है तो x माइनस तो ये क्या x माइनस n माइनस 1 आएगा कि नहीं आएगा क्यों देखो ना एक टर्म है तो x 0 आया है यहां पर वो कितने हैं x1 और x2 सॉरी ये x1 x fx सॉरी यार एक भी गलत हो गया fx0 का मैं x1 यहां होगा fx1 x2 यहां तक का होगा x2 x3 यहां पर रखा होगा ये ऐसा होगा ठीक देखो x3 है तो xn है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जब मान जाए n वा टर्म होगा तो यहां पर मेरे को x0 भी होगा x1 भी होगा x2 भी होगा चलते चलते कितना होगा xn होगा तो इसके लिए हम लोग क्या होगा x माइनस x n माइनस 1 होगा क्लियर है ना इतनी बात एक बार और ध्यान से समझना ये चीजें को मैं अभी यहां पर लेख अच्छी नहीं बन पा रही है एक बार और बिठा देता हूं और अच्छे से लिखता हूं प्यार से देखो एक बार और देखो मैं ऊपर से लिखता हूं इसको अच्छी तरीके से तो आपके पास क्या होगा देन fx fx ये x क्या जिसकी वैल्यू हमने निकाली है बराबर कितना आ जाएगा fx 0 फिर प्लस x माइनस x 0 और फिर कितना हो जाएगा fx 0 कॉमा x 1 क्लियर फिर हमारे पास कितना होगा प्लस x माइनस x 0 x माइनस x 1 और यहां पर कितना हो जाएगा फिर x 0 x माइनस 0 x minus x1 और यहाँ पर को बजाएगा f x0 x1 x फिर हो जाएगा plus x minus x0 x minus x1 x minus x2 फिर हमारे पास हो जाएगा f x0 x1 x2 x3 फिर हो जाएगा प्लस चलते चलते जो होगा हमारे पास लास्ट में होगा x माइनस x जीरो x माइनस x वन x माइनस x टू फिर चलते चलते हो जाएगा x माइनस x एन माइनस फिर यहाँ पर से हो जाएगा आपके पास f x जीरो x वन x टू x थ्री और ये भी चलते चलते कितना हो जाएगा x तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा x जीरो था दूसरे टर्म में यह भी कितना हो जाएगा x एन माइनस अक्सर मैं क्या करूंगा हर क्वेश्चन में यही फॉर्मूला यूज करूंगा ठीक
अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, तो इसके लिए मुझे एक क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, और मैं जो क्वेश्चन उठाता हूँ वो हम क्वेश्चन जो हम उठाते हैं बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन देखो, इसमें हम डिवाइडेड डिफरेंस भी तैयार करते हैं और हम क्वेश्चन भी उठाते हैं। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन आने वाला है आज का, इसको मैं मिटा देता हूँ, जो न्यूटन इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल का, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो ये नोट कर लिया ना। चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन उठाते हैं, न्यूटन का, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। अब देखिए पिछली बार लेक्चरर के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, उत्तराखंड लेक्चरर में एक क्वेश्चन आया था, मतलब एक दिया था कि भैया इस तीन फॉर्मूले लिखे थे, एक तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड इंटरपोलेशन लिखा था, एक लिखा था न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन लिखा था, एक लिखा था न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला लिखा था, और एक लिखा था नन ऑफ दीज। चार ऑप्शन थे और उसमें क्वेश्चन दिया था कि हम अनइक्वल इंटरवल को सॉल्व करने के लिए, इंटरपोलेशन में अनइक्वल इंटरवल को सॉल्व करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो यहाँ से आंसर हो गया न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का। ठीक है, अपना इसको सीधे सीधे न्यूटन फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन है बाय बाय मीन ऑफ, क्वेश्चन है हमारे पास जैसा जैसा इस बुक में लिखा है सेम टू सेम मैं बता दे रहा हूँ आपको, बाय मीन value of F8 and F15 from the following table, from the following table, जो हमको टेबल दी गई है वो ऐसे दी गई है, एक्स एक्स का नंबर ऑफ 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, 11 है, 13 है, और fx जो दिया गया है वो है 48 है, 100 है, 294 है, फिर हमारे पास है कितना 900 है, फिर हमारे पास 1210 है, फिर हमारे पास 2028 है। तो इसमें हमने वैल्यू निकालनी है, एक तो f8 की वैल्यू निकालनी है और एक f15 की वैल्यू निकालनी है। इतना लिख दिया, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। और अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन में हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला कैसे यूज करने वाले हैं। लिख दिया है ना, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में एक टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के लिए तो इसमें तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है F8 की, F8 साइड यहाँ होता होगा, एक जगह F15 की, और F15 तो बाहर है। चलिए अब निकालने जाते हैं F8 F15, मिटा दूंगा सब। ठीक, तो सुनने के मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, इसको मैं सबसे पहले तो मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल में मैं लिखता हूँ x, x लिखता हूँ तो ये तो आता है 4, ये तो आता है कितना 5, ये तो कितना आता है 7, ये तो आता है 10, ये तो है 11, ये है हमारे पास 13, और fx में हमारे पास ये क्या है, ये तो है 48, ये तो है 100, और ये है हमारे पास 294, ये तो हमारे पास 900, फिर ये हमारे पास 1210, और ये हमारे पास 2028। इतना लिखा, लिख दिया। चलिए अगर आप ध्यान से सुनिए, सबसे पहले यहां देखो इसका डिफरेंस कितना है 1 है, इसका डिफरेंस कितना है 2 है, इसका कितना है 3 है, इसका कितना है 1 है, इसका कितना है 2 है, तो साफ साफ मुझे दिख रहा है ये अनइक्वल इंटरवल के लिए क्वेश्चन है। तो अनइक्वल इंटरवल के लिए मैं तैयार करता हूं क्या, डिवाइडेड डिफरेंस, तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार करता हूं। अनइक्वल इंटरवल के लिए डिफरेंस टेबल तैयार नहीं करते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार करते हैं। क्लियर, डिफरेंस टेबल में तो क्या होता है, इसमें से इसको घटा दिया, इसमें से इसको घटा दिया, देखो डेल्टा 1 fx, डेल्टा 1 fx के हम क्या करते हैं, इस चीज को घटाते हैं, इस चीज को घटाते हैं, इससे डिफरेंस टेबल आती है। परंतु अभी मुझे किसी डिफरेंस टेबल में तैयार करूंगा इक्वल इंटरवल में, अगर इंटरपोलेशन विद इक्वल इंटरवल हो तो वहां डिफरेंस टेबल तैयार होगी। डिफरेंस टेबल का मतलब इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया। अभी मेरे को क्या तैयार करनी है, अभी अनइक्वल इंटरवल है तो मुझे तैयार करनी पड़ेगी डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार करनी पड़ेगी। और डिवाइडेड डिफरेंस टेबल कैसी होगी, इसमें से इसको घटाया,
क्या 100 में से 48 को घटाया, बट्टा कर दिया मैंने 5 में से 4, तो इसका मतलब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाव, आ गया ये, और बट्टा एक आंसर आया भाव, आई बात समझ में? ठीक, अब सुनना, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, बट्टा किससे गया 2 से, तो कितना आया भाई भैया 97 आया, 194, क्यों? अब इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, फिर जो आया इसमें से इसको घटा के आंसर आ जाएगा, तो ये जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास कितना आ रहा है 200, ठीक, इसमें से इसको घटाया, फिर इसमें से इसको घटाया, इसमें से इसको घटाया, इसमें से इस, देखो कुल मिला के देखो 1210 में से 900 घटाया, उसका डिफरेंस कर दिया 11 में से 10 घटाया, तो ये आंसर कितना आ गया मेरे पास, जो ये आंसर आया वो कितना है 310, इसमें से इसको घटाया तो ये कितना आएगा, और इसमें से देखो वही 2028 में से 1210 घटाया, उसका डिवाइड कर दिया मैंने 13 में से 11, मतलब 13 में से 11 का मतलब कितना हो गया, इसको कुछ सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 400, बहुत ही अच्छा बेहतरीन सा। ठीक, अब देखो परंतु यहाँ डेल्टा नहीं लिखते हैं, डेल्टा के अंदर एक रेखा टाइप का होता है, इसको बोलते हैं डिवाइड, तो डेल्टा टू एफ एक्स निकालने के लिए क्या करोगे, वही इसमें से इसको घटाओगे, अब क्या होगा डेल्टा टू निकालना है, तो एक का डिफरेंस देखो ये अभी क्या करना पड़ेगा, इस 97 में से 52 को घटा करके मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 7 में से, यानी बात समझ, ठीक, और ऐसे यहां से क्या करना पड़ेगा, ये 202 में से 97 को घटा करके 10 में से 5 को, 10 में से 5, ठीक है ना, ऐसे यहां पे 310 में से 202 को मैं घटा दूंगा, और इसमें से 11 में से 7 का डिफरेंस बनेगा ना, और यहाँ पर से क्या जाएगा, अब देखो 409 में से मैं कितना 310 घटाऊंगा, और डिफरेंस जो करूंगा 13 में से 10, तो अब मैं निकालूंगा डेल्टा 3 एफ एक्स, डेल्टा 3 एफ एक्स निकालने के लिए पहले उसको सॉल्व कर लेता हूँ, इसको सॉल्व करके ये जो आंसर आ रहा है हमारे पास यार 15 है ना, और ये जो आंसर आ रहा है ये कितना आ रहा है हमारे पास 21, ये जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है हमारे पास कितना 27, और ये जो आंसर आ रहा है ये हमारे पास कितना आ रहा है 31, ठीक है ना, अब है तुम्हारे पास डेल्टा 3 निकालना है, डेल्टा 3 निकालने के लिए क्या करो, इस 21 में से 15 घटाओगे, तो अब देखो 3 है तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, इन 2 का डिफरेंस होता है 10 में से 4 घटाया, 10 में से कितना घटाऊंगा, ऐसे यहां पर 27 में से 21 घटाओगे कितना डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए, तो यहां पर से कितना रहेगा 11 में से 5, फिर 33 में से 27 घटाओगे, और मैं फिर घटाऊंगा 11 से 5 घटाए तो मैं घटाऊंगा कितना 13 में से 7, 13 में से, ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करना तो एक मेरे पास आ जाएगा 5, 5 बटा कितना आ जाएगा फिर मेरे पास 5, 6 6 बटा 6 ये एक आ रहा है, और ये कितने आ रहे हैं मेरे पास, ऐसे ये भी एक आ रहा है और ये भी कितना आ रहा है एक आ रहा है, ऐसे आ जाएगा डेल्टा 4 एफ एक्स, अब सुनो फिर डेल्टा 4 एफ एक्स इसमें से इसको हटाना होता है, इसमें से इसको हटाना चाहे वहां कुछ भी 0 आ गया, और इसमें से इसको हटाना चाहे वहां कुछ भी, आंसर कितना आ गया, ये इतनी बात आई समझ में, डिफरेंस टेबल ऐसे दिया रहता है डिवाइडेड डिफरेंस, अब है भैया न्यूटन वाले फॉर्मूले से करना, अब जो न्यूटन यहाँ पर मैं लिखना चाह रहा हूँ ये मिटा दू, ये मैंने मिटा दिया, और अब मैं लिखता हूँ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास एफ एक्स बराबर, ध्यान से सुनना एफ एक्स बराबर क्या होता है, एक्स जीरो एफ एक्स जीरो फिर प्लस एक्स माइनस एक्स जीरो एफ एक्स जीरो कॉमा एफ एक्स वन फिर प्लस एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन फिर कितना होता है आपके पास एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू, ठीक है ना, फिर अगला फिर आपके पास कितना होता है एफ एक्स माइनस एक्स जीरो एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू फिर होता है आपका f x 0 x 1 x 2 x 3, ठीक, अब सुनिए फिर ध्यान से देखो, ये देखो ये जो 48 है ये कुछ और नहीं ये f 4 है कि नहीं, ठीक, अब ये जो 52 आया था ये मेरे पास कितना है f 5 है, जो ये 52 आया था ये कुछ और नहीं था ये था f 5 minus f 4 upon 5 minus 4, और इसे ही मैं क्या लिखता हूँ f 5 और कॉमा 4 और ऐसे ही कितना आएगा ये जो होगा ये कितना होगा f 5.4 कॉमा देखो ये 4.5 4.5 इसको मैं लिखूंगा 4.5 कॉमा 7 4.5
4.5.7 भी डिवाइडेड डिफरेंस में जाओ ना, ठीक। और ऐसे ये जो हो जाएगा ये कितना होगा फिर f 4.5.7, ये बात समझ में है, ठीक है ना। आप ये अब देखो, या तो फिर इसको, ये f4 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, डेल्टा f4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, ये जो 15 आया है, ये जो आया है डेल्टा का स्क्वायर f4, और जो ये आया है ये क्या है डेल्टा का पावर 3 f4, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब वेट भैया सब वैल्यू में रख देता हूँ, अब देखो तो कुल मिलाकर के मैं इसकी जगह तो क्या लिख सकता हूँ फिर डेल्टा एफ एक्स जीरो, फिर इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ फिर डेल्टा टू एफ एक्स जीरो, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डेल्टा थ्री एफ एक्स जीरो लिख सकता हूँ। अब मैंने देखो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स बराबर किसकी वैल्यू निकालनी है, एट की, तो एक्स की जगह मैं क्या रखती हूँ इसी फॉर्मूले में सब वैल्यू को, ये x0 होता है, ये x1 होता है, ये x2 होता है, x की जगह तो 8 रखना है, x0 की जगह मेरे को कितना रखना है भैया 4 रखना है, x की जगह तो 8 रखना है, x0 की जगह हमने कितना रखना है 4 रखना है, और fx0, fx0 की जगह मैंने कितना रखना है 4 रखना है, x की जगह तो कितना रखना है मैंने x की जगह 8, x0 की जगह 4, x की जगह हमने कितना रखना है 8, और x1 की जगह हमारे पास कितना है 5, और x0 की जगह हमने कितना रखना है 4 रखना है, x की जगह हमने कितना रखना है, x की जगह हमने रखना है भैया 8 ना, x की जगह, और x0 की जगह हमने कितना रखना है 4, x x की जगह हमने कितना रखना है, x की जगह कितना रखना है 8, और यहां पर कितना x1, x1 की जगह 5, ऐसे ही कितना हो जाएगा भैया 8, x2 कितना हमारे पास 7, और x0 फिर हमारे पास कितना है x0, फिर हमारे पास कितना है भैया 4, सब वैल्यू में रख दो, और जो जो हमारे पास जो वैल्यू आई भी है वो जो वैल्यू आई है f x r f f4 f4 कितना आया है 48, फिर प्लस ये कितना आया 4, डेल्टा f4, डेल्टा f4 हमारे पास कितना आया 52, फिर प्लस 4 into कितना भैया 3, डेल्टा 2, डेल्टा 2 f4 हमारे पास कितना आया 15, फिर प्लस कितना आया है 4, 1, 4, 3, 5, 6, 7, 8, 1, और ये कितना है मेरे पास भैया 1, इसको सॉल्व करना है, आंसर निकालना है हमने। अब ऐसे ही सेम टू सेम x0 आपके पास है, x1 आपके पास है, डेल्टा fx0 आपके पास है, डेल्टा 2fx0 आपके पास है, डेल्टा 3fx0 आपके पास है, और x बराबर कितना है तुम्हारे पास अगले वाले के लिए 15 है, लेकिन x की जगह 15 रखोगे और सबके सब वैल्यू ये रखोगे, इसको सॉल्व करोगे और जो तुम्हारे पास आएगा कितना आएगा 4, 4, 8, तो आपके पास जो f का आया वो कितना आया 4, 4, 8, 0, आई बात समझ क्लियर। तो भैया ये ऐसे थे तुम्हारे पास क्वेश्चन, कोई इतने भारी क्वेश्चन नहीं थे, ये क्वेश्चन आराम से, एक क्वेश्चन अब वही क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही बनाना, x की जगह कितना रख दोगे तुम, x की जगह 15 रख दोगे, आंसर आ जाएगा, क्लियर है ना। चलो अब मिटा लो, अब मिटा लो, चलो अगला, चलिए सुनिए यहां ध्यान से अगला क्वेश्चन था आपके पास, देखिए जो इसमें ना इस टाइप के भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे ये ध्यान से सुनना है, चलो लिखना, फाइंड द पॉलीनोमियल ऑफ लोएस्ट पॉसिबल डिग्री, फाइंड द क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, मतलब क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड फाइंड द पॉलीनोमियल, द पॉलीनोमियल फाइंड द पॉलीनोमियल ऑफ लोएस्ट पॉसिबल डिग्री, ऑफ लोएस्ट पॉसिबल डिग्री, पॉसिबल lowest possible degree which assume the value p value 15 minus 21 when x has जब x के पास जो होगी 3 2 1 minus 1 respectively
तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सॉल्यूशन क्या है? हमसे क्या पूछ रहा है वो? हमसे क्या कह रहा है भैया? लॉस्ट डिग्री का एक पॉलीनोमियल निकालिए जो 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 इसके बाद एज यू से द वैल्यू, कितनी वैल्यू जब x है हमारे पास, क्या ये x है? तो देखो ये x है, ये fx है, ये x है, ये fx है, सॉल्व करेंगे इसको। चलिए फिर भैया, x हमारे पास क्या क्या है? x है हमारे पास, देखो यहां पे से लिखते हैं माइनस वन से लिखते हैं, माइनस वन है, फिर कितना हमारे पास? वन है, फिर कितना है? टू है, फिर कितना है? थ्री है। fx कितना है हमारे पास? fx देखो ये माइनस वन रिस्पेक्टिवली कह रहा है, ये माइनस वन के लिए कितना हो गया फिर मेरे पास? माइनस ट्वेंटी वन, फिर कितना हो गया हमारे पास? फिफ्टीन, फिर कितना हो गया? ट्वेल्व, फिर कितना हो गया हमारे पास? थ्री। यस तो आप निकालेंगे भाई सबसे पहले डेल्टा, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे ना भैया कि इंटरवल, देखो इंटरवल कैसा है अभी? अनइक्वल इंटरवल है, अनइक्वल इंटरवल है। अनइक्वल इंटरवल के लिए डिफरेंस टेबल तैयार नहीं होती है, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल तैयार होती है। तो सबसे पहले हम निकलेगा डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एफ एक्स के लिए इसमें से इसको हटा दूंगा, इसमें से इसको मैंने घटा दिया तो पंद्रह में घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा। क्यों? पंद्रह में इक्कीस जुड़ गया तो कितना हो गया फिर मेरे पास? छत्तीस, नहीं हाँ छत्तीस ही तो हुआ, छत्तीस बटे, अब देखो इसमें से भी जुड़ जाएगा छत्तीस बटे, तो कितना हो जाएगा भाई? अठारह। आई बात समझ में? और ऐसे ही ये इसको सॉल्व करना, इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना, ये जो आपके पास आ रहा है माइनस थ्री और फिर अगला आ रहा है माइनस थ्री, ये आ रहा है माइनस, क्लियर है? फिर आप निकालोगे फिर ऐसे ही कितना निकालोगे? डेटा टू एफ एक्स निकालोगे, डेटा टू एफ एक्स निकालोगे तो इसमें से माइनस थ्री में से माइनस एटीन को घटा दोगे, टू है तो एक का डिफरेंस आएगा ना, तो यहाँ पर से कितना जाएगा? टू में से माइनस माइनस वन करोगे तो कितना जाएगा? माइनस पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, माइनस इक्कीस बटे कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस थ्री, तो इसको सॉल्व कर दोगे तीन सत्तर माइनस का कितना हो जाएगा? क्लियर? अगले में माइनस नाइन में से माइनस थ्री गया, माइनस नाइन में से माइनस थ्री गया तो यहाँ पर प्लस, और यहाँ से तीन में से ये गया तो कितना हो जाएगा? दो, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? ये नौ में से क्या बोलो यार, छह, माइनस छह, माइनस दो, ये कितना? माइनस का तीन, और फिर अगला लास्ट जो आएगा आपके पास डेल्टा थ्री, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक माइनस थ्री आएगा, इसमें से माइनस माइनस सेवन करना है, फिर अपॉन कितना आ जाएगा? थ्री, फिर माइनस माइनस का वन, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? माइनस थ्री प्लस सेवन, और यहाँ से कितना आ जाएगा? फोर, तो आंसर कितना आ गया? इतनी बात सही ना? तो मेरे को निकालना था भैया सब, अब न्यूमरेटर डिवाइडेड, देखो ये मेरे पास क्या था? f, ये fx 0 था ना, और ये क्या होगा फिर? डेल्टा fx 0 होगा, ये क्या होगा फिर आपके पास? डेल्टा 2fx 0 होगा, ये क्या होगा फिर? ऐसे डेल्टा 3fx 0। अब इसमें फार्मूला यूज कर देंगे, अगर मैं फार्मूला यूज कर दूंगा तो आपके पास जो होता है वो होता है fx बराबर, क्या होता है fx बराबर? fx 0 है प्लस x माइनस x जीरो नॉर्मल डेल्टा एफ एक्स जीरो, फिर प्लस प्लस x माइनस x जीरो x माइनस x वन डेल्टा टू एफ एक्स जीरो, फिर अगला ऐसे क्या हो जाएगा? x माइनस x जीरो x माइनस x वन x माइनस x टू डेल्टा टू एफ एक्स जीरो। x तो भैया x ही रहेगा, पॉलीनोमियल तैयार करना है ना, बस सबकी सब वैल्यू हमारे पास जो होने वाली है, x 0 की जगह होने वाला माइनस वन, इसकी जगह तो माइनस वन, ये है हमारे पास x 0, ये है हमारे पास x 1, ये है हमारे पास x 2, x 3 की तो जगह है नहीं, तो इसकी जगह भी होने वाला है माइनस वन, इसकी जगह भी होने वाला है हमारे पास माइनस वन, इसकी जगह भी होने वाला है हमारे पास माइनस वन, और फिर हमारे पास x 1, x एक्स जीरो की जगह होने वाला है फिर माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, फिर माइनस माइनस कितना होने वाला है? प्लस वन, फिर माइनस माइनस कितना होने वाला है? प्लस का, फिर तुम्हारे पास एक्स वन की जगह है फिर अगेन वन, एक्स वन की जगह है तुम्हारे पास अगेन खाली सिंपल वन, अगेन फिर होने वाला है तुम्हारे पास सिंपल वन, फिर एक्स टू की जगह होने वाला है तुम्हारे पास क्या? सिंपल एक्स टू, क्लियर? तो भैया ये इस टेबल का हमारे पास जरूरत होने वाला तो था परंतु मैंने मिटा दिया, मुझे खुद ही बता दूंगे क्या आया वीडियो को थोड़ा पीछे देख कर लीजिए। तो यहाँ से आया एक fx 0, fx f minus 1, what is the value of minus 1? minus 21, फिर plus x plus 1,
अगली वैल्यू कितनी आई है फिर हमारे पास 18, फिर प्लस x प्लस 1, x माइनस 1, फिर कितना आया हमारे पास माइनस का 7, फिर प्लस कितना आया हमारे पास x प्लस 1, x माइनस 1 का x माइनस 1। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो fx बराबर कितना आ जाएगा माइनस 21 प्लस 18x प्लस 18 प्लस यहां पर वो कितना आ जाएगा देखिए x स्क्वायर माइनस 1 इनटू माइनस 7, फिर प्लस कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 इनटू x माइनस 2 क्यों हुआ a प्लस b a माइनस। फिर यहां पर से आपके पास fx बराबर कितना आ जाएगा माइनस 21 प्लस 18x प्लस कितना आ जाएगा ये 18, फिर यहां पर से कितना आ जाएगा माइनस 7x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7 प्लस यहां पर से तो कितना हो जाएगा x का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का तो x प्लस का कितना। तो यहां पर से जो सॉल्व करेंगे तो यहां पर को इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा x का तो क्यूब x का तो x स्क्वायर कितनी x स्क्वायर है हमारे पास x स्क्वायर कितनी है 2 2 माइनस 9x स्क्वायर ना x स्क्वायर ये और ये x स्क्वायर x कितने आए हैं 18 और 17 प्लस 17x प्लस 17x और कांस्टेंट कितना है एक ये है एक ये है फिर एक ये है फिर एक ये 9 2 कितना हो गया 7 9 9 में 18 जोड़ा तो कितना हो जाएगा यहां से तो ये तो कितना आया भैया माइनस 3 माइनस 3 में से कितना हो गया माइनस 1 माइनस 1 प्लस का बच गया 6 ये आएगा प्लस का। तो ये रिंग पॉलीनोमियल तैयार करना था लोएस्ट डिग्री का पॉलीनोमियल कितना होता है तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया वो कितना आया 3rd डिग्री का पॉलीनोमियल आया और वो जो पॉलीनोमियल आया आंसर कितना है ठीक है। तो इंटरपोलेशन विद अनइक्वल इंटरवल में क्वेश्चन हमसे यही पूछेगा कभी कभी कैसे क्वेश्चन पूछ देता है कि लैग्रेंजी से बनाइए लैग्रेंजी से बनाया गया है तो उसको हम कल बनाएंगे कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।